वेलकम टू जीके लैंड दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इतिहास में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास की कुछ जानकारी से। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना गया है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद संख्या में चार होते हैं। वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद के प्रवर्तक प्रजापति, और इसमें हमें विवरण मिलता है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। फिर आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु हैं, इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं और इसमें युद्ध कला से संबंधित ज्ञान मिलता है। सामवेद के पाठकर्ता उद्गाता है उद्गात, तो इसके उपवेद जो है इसका है वो है गंधर्व वेद। नारद जिसके प्रवर्तक हैं, कला और संगीत से संबंधित है यह वेद। अथर्ववेद ब्रह्म इसके पाठकर्ता कहलाते हैं और इसके जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। शिल्प वेद विश्वकर्मा से संबंधित है और भवन निर्माण कला का इसमें वर्णन होता है। अब एक बात की, चारों वेदों के सम्मिलित रूप को जब हम चारों वेदों को मिला दें तो यह संहिता कहलाएगी, लेकिन शुरू के जो तीन वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जब ये मिलते हैं तो ये वेदत्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद इसकी मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 28 सूक्तियाँ तथा 10 46 दो, याद रखने के लिए ऐसा है पढ़ रही हूँ वरना है, 10462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीन पाठ हैं, कौन कौन से? साकल, वालखिल्य और वाष्कल। साकल में 10-17 मंत्र, वालखिल्य में 11 मंत्र और वाष्कल में 56 मंत्र हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अब बात करेंगे इनकी कहाँ से आ गई, तो फिर देखिए प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था एवं 22वें जैन तीर्थंकर अष्टनेमी जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है, इनके नामों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। अष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन होता है। विदुषी मतलब होता है ज्ञानी महिलाएं, ठीक है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ऋग्वेद के अगर हम मंडल देखें तो टोटल 10 हैं, जिसमें उनकी रचयिता किसने की वो भी पढ़ेंगे। तो पहला मंडल और जो हमारा 10वां मंडल है वो अंत में जोड़ा गया, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरे मंडल में देखें तो ग्रस्त समद भार्गव इनकी रचना की ने इसकी रचना की है। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की है जिसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया बताई गई है। पांचवें मंडल की रचना अत्रि, छठवां मंडल भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां मंडल कर्ण ऋषि व अंगिरस, नौवा मंडल पवमान अंगिरा, और नौवें मंडल में किसका वर्णन है? सोम का। दसवें मंडल में किस चीज़ का वर्णन है? तो शूद्र सूक्तीय या महासूक्तीय का वर्णन है, वो जो हम पढ़ चुके थे, पहला और दसवां मंडल अंत में जुड़ा। ऋग्वेद 3 मार्क का ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, एक एक लाइन लिखो ज़्यादा नहीं, जिसके प्रवर्तक प्रजापति हैं। इसके पाठकर्ता ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्र कहलाते हैं, होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितक हैं। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। आर्य की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। इसके तीसरे मंडल में, अब मंडलों की डिटेल, तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र की रचना क्यों की गई थी, किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इसलिए की थी ताकि लोग आर्यों में परिवर्तित हो जाएं। फिर चौथा मंडल, चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की, कृषि संबंधी, जो कि कृषि संबंधी थे, कौन से? त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीर, ठीक है। 7वां मंडल बहुत फेमस था, क्यों? क्योंकि एक युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध है ना, उल्लेख है इस 7वें मंडल में, है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध कहाँ हुआ था, ये नदी पूछते हैं, तो ये नहीं पूछेंगे कि रावी के हुआ था, ये पूछेंगे परुषणी का नाम क्या था, तो परुषणी किसका नाम है? तो रावी का। तो परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास नाम का एक इंसान था और उसकी जो लड़ाई हुई थी 10 जनों से हुई थी।
मतलब 10 राजाओं से हुई थी, और इस जिसमें कौन विजयी हुआ, सुदास। आठवां मंडल ऋग्वेद के आठवें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। नौवें मंडल हमने पढ़ा था देवता सोम का उल्लेख है ना, इन्हें वनस्पति का देवता मानते थे, ये इसी मंडल को सोम मंडल कहा गया। दसवें मंडल में चातुष्वर्ण समाज की स्थापना का स्रोत पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के क्रमशः मुख से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से कौन कौन उत्पन्न हुआ, तो मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी में देवी सूक्त का उल्लेख भी है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है, एवं दसवें मंडल में एक बार गंगा जाह्नवी का उल्लेख भी मिलता है। फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय व कौशितकी हैं। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतमा, नदीतमा मतलब होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कहा गया है ना, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है। एक बहुत फेमस लाइन है, अस्तो माँ सदगम्य, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है ऐसा पूछा जाता है रेलवे में, PSC में, तो ऋग्वेद से लिया गया है SI में, है ना। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद में ही मिलता है, और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 250, इंद्र के लिए 250, सर्वाधिक पिता के लिए 335 ऋचाओं की रचना की गई है। अब कुछ एक फेमस चीज़ है, वो है बोगाज कोई अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख है, पुरातात्विक साक्ष्य है ये, इसको मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्बा ओके, और मितन्नी राजा मती वजा के मध्य हुई संधि, एक संधि हुई थी, उसी के जो साक्ष्य हैं या साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं, कौन कौन से देवता, ये भैया KVC में भी आया था, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये पूछ लिया था नासत्य कौन है, तो वो अश्विनी कुमार हैं, ठीक है, इनके नाम मिलते हैं। खैर, और उसके बाद फिर है कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व वर्ण का विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। उत्तर वैदिक काल में यही जो विभाजन है वो व्यवसाय की जगह पे जन्म के आधार पे डिसाइड होने लग गया था, मतलब कि 1500 से 1000 पूर्व आप जो काम करते हो, अगर आप क्षत्रिय हो लेकिन आप पढ़ाई मतलब पढ़ाते हो तो आप एक टीचर वो बन सकते हो, क्या एक ब्राह्मण बन सकते हो, आप एक ब्राह्मण ही कहलाओगे, लेकिन उत्तर वैदिक में ब्राह्मण कलर का ब्राह्मण, क्षत्रिय कलर का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर आता है सामवेद, इसके पाठकर्ता उद्रात या उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके प्रवर्तक नारद हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य और जैमिनी, मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेश। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठकर्ता अध्वर्यु कहलाते हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक विश्वामित्र थे, और सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजु का अर्थ यज्ञ से है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो कौन सा होगा, यजुर्वेद। इसमें राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का भी उल्लेख है। फिर हमारा आता है यजुर्वेद भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्रेयी। शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। फिर आता है अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की घोर निंदा मिलती है, अगर आता है ना 1 लाइन अथर्ववेद के बारे में लिखो तो ये फैक्ट लिख देना, बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। फिर अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, ये भी बताना, इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं या पद्य हैं। इसमें वशीकरण, जादू, टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में है, इससे
इसके पाठकर्ता ब्रह्म कहलाते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के उपनिषदों में मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को शामिल किया गया। अब हम आपको मिलाते हैं वेदांग से, ठीक है? ये भाई साहब का नाम वेदांग है और बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।